अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में नतीउल्लाह जान। किसी ने क्या खूब कहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कितना बड़ा हादसा या कितनी बड़ा सानहा हो जाए, फर्क इससे पड़ता है कि आप उस हादसे और सानहे के रद्द अमल में किस तरीके से बिहेव करते हैं या अपने आप को कंडक्ट करते हैं। यकीनन, और हमारे सामने इसकी कुछ मिसालें भी मौजूद हैं। दूसरी जंग अजीम में बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल जब जर्मनी के जहाज लंदन पर बमबारी कर रहे थे तो उन्होंने अपने एक मुशीर से पूछा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं और अदालतें काम कर रही हैं। तो उनको बताया गया यकीनन अदालतें काम कर रही हैं। जंग अजीम के दौरान जब लंदन पर बमबारी हो रही थी तो ये जवाब सुनने के बाद विंस्टन चर्चिल ने कहा तो फिर ठीक है, इसका मतलब है कि बरतानिया महफूज रहेगा और ये जंग जीतेगा। पाकिस्तान के अंदर हमारा अलमिया ये है कि जब भी कोई बहुत बड़ा बहरान आया है तो ये समझ नहीं आती कि जो आइन का बनाया हुआ ढांचा है, जो पार्लियामेंट है, जो काबीना है, जो सूबाई अरकान असम्बली हैं या जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, गवर्नर हैं, वज़रा आला हैं और वज़रा हैं, वो सब ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, आप समझ गए होंगे, अफसोस का मुकाम है। हम ये देखते हैं कि हमारे आइन के अंदर भी नई नई इख्तराहें निकाली जाती हैं, ऐसी ऐसी इख्तराहें कि जिस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। पेशावर सानहे के बाद अदालतों को नाकाम करार दे के हमारी इसी पार्लियामेंट ने फौजी अदालतें भी बना दी और उन फौजी अदालतों के बनाए हुए भी काफ़ी वक्त गुजर गया और जो फांसियाँ सुनाई गई उस पर भी अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अंतराई के बाद रुका हुआ है, कुछ भी ना हुआ। और इसी तरीके से साथ ही न सिर्फ ये कि अदालती निज़ाम के मतवाजी एक निज़ाम बनाया गया मगर उसके साथ ही एक सियासी निज़ाम भी बना दिया गया। एपेक्स कमेटियों के नाम से एक नई इख्तरा निकाली गई जिसमें फौजी क़्यादत और मुंतखब सियासी नुमाइंदे, वज़रा आला और वज़ीर आज़म तक मिल बैठ के न सिर्फ वफाकी हुकूमत का निज़ाम चलाते हैं और अब बल्कि सूबाई हुकूमत का निज़ाम भी चलाते हैं, ख़ासकर दहशतगर्दी के हवाले से और अब तो इंतज़ामी हवाले से, क्योंकि अब ये तमाम मामलात एक हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि कराची में जो सानहा हुआ उसके बाद आज भी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सरगाही आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने की और आज भी कुछ फैसले किए गए जिसमें हमने देखा कि तमाम मुंतखब सियासी क़्यादत लाइन हाजिर हुई थी, उनके सामने मौजूद थी, वज़रा भी थे और तमाम हुकूमत के दूसरे नुमाइंदे भी, और फैसले जो हुए उन फैसलों से भी आपको बताते चले। मगर आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तो सिर्फ एक दहशतगर्दी का या दो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, खुदा न खास्ता इस मुल्क पे कोई बुरा वक्त आया या जंग छिड़ गई तो फिर इस मुल्क के बागडोर कौन संभालेगा, और हम किताब में लिखी हुई जो आइनी जिम्मेदारियां हैं क्या वो हमारे मुंतखब नुमाइंदे पूरे करेंगे या सब कुछ छोड़ छाड़ के वो फौज के हवाले करके किसी बंकर में बैठ जाएंगे। यही वो सवाल है जो हमारे जहनों में उठ रहे हैं और क्या हमारी मुंतखब हुकूमत और सियासी निज़ाम इस काबिल हैं कि किसी बड़े बहरान के नतीजे में अस खुद फैसला करें और फिर उन फैसलों पे अमल दरामद कराने की सलाहियत भी रखें। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं स्टूडियोस में मौजूद मेहमानों का तारफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बस्सा साहब, रानुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है राना अफजल खान, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून, और कराची से रुकन कौमी असम्बली MQM सैयद आसिफ हुसनैन ने हमें ज्वाइन किया है, और हमारी कोशिश है टेलीफोन लाइन पे भी हम कुछ मेहमानों से, कुछ तजियाकारों से, और ख़ास कर राव अनवार जो साबक SSP मलिक कराची हैं, बल्कि अभी भी SSP तो मौजूद हैं मगर ओहदे पे नहीं है, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पे बाद में ज्वाइन करेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ तो हुक्मरान जमात से ही करना चाहूँगा। राना अफजल खान साहब, क्या हम इस काबिल हैं कि किसी बड़े बहरान के नतीजे में हमारी मुंतखब, हमारा मुंतखब वज़ीर आज़म, हमारी मुंतखब काबीना, पार्लियामेंट और जो इदारे हमने बनाए हुए हैं, जो वजारत दफा है, वजारत दाखिला है, वो इन वजारतों के अंदर बैठ के अपनी जगहों पर बैठ के फैसले करें? क्या हम इतने नाअहल हैं कि बड़े बड़े फैसलों और उन पर अमल दरामद कराने के लिए हम जो हैं मशवरे लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे आपके सवाल से बड़ा अफसोस हुआ। देखें, बात यह है कि हमारी ही हुकूमत है जिसने इस चैलेंज को हेड ऑन लिया है। अगर कराची ऑपरेशन शुरू किया है, अगर ज़र्ब अज़ब की है, अगर हम एक नया कानून लेके आए हैं, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आए हैं, ये कोई छोटी सी स्टेप्स नहीं हैं।
और ये एक जंग है जो हम कभी अभी ये कहने की पोजीशन में नहीं है कि हम इसको जीत चुके हैं। ये एक बड़ी ही डर्टी वॉर है, एक बड़ी डिफिकल्ट वॉर है और उसके अंदर हमें बड़े चैलेंजेस हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये कोई आखिरी हादसा था तो शायद मैं ये दुरुस्त ना कह रहा हूँ। तो इन चैलेंजेस को निपटने के लिए अगर हम इन एक हादसे के बाद हम ये सवाल करना शुरू कर दें कि हुकूमत नाअहल हो गई है, तो हमें वो भी चीज़ें देखनी होंगी कि जो हमने स्टेप्स लिए हैं। और ये बड़ी पॉजिटिविटी है, अगर आज एपेक्स कमेटीज़ बनी हैं और एपेक्स कमेटी की को चेयर आर्मी चीफ ने किया है तो वो इन एड ऑफ सिविल पावर किया है। और उसको चेयर सिर्फ आर्मी चीफ ने नहीं किया, उसको चेयर सिंध के चीफ मिनिस्टर ने भी किया है। एक साइड पे आपकी सिविलियन गवर्नमेंट बैठी हुई है, को चेयर हुआ और दूसरी साइड के ऊपर आपकी जो इन एड ऑफ सिविल पावर जो आपकी मिलिट्री या पैरामिलिट्री सेटअप आया है। और वाकई की नज़ाकत को देखते हुए, उसकी ट्रेजेडी की संगीनी को देखते हुए आर्मी चीफ अगर आए हैं तो वो अवाम को कॉन्फिडेंस देने के लिए आए हैं। राणा अफजल साहब, आप लोग जब इंतखाबात में जाते हैं, अवाम से वोट मांगने के लिए जाते हैं, आप आइन और जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, अवाम की ताकत की बात करते हैं, अवाम के मैंडेट की बात करते हैं, तो फिर आइन के अंदर तो जंग की सूरत हाल के से मुतल्लक भी जो है वो तफसीलात दर्ज हैं, हंगामी हालत की तफसीलात दर्ज हैं। तो क्या वजह है कि आइन की उन अख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया गया जो एक मुंतखब हुकूमत को हंगामी हालत नाफिज करने का अख्तियार देती है? देखिए, हुकूमत के पास बेशुमार इख्तियारात होते हैं और उसकी ऑप्शन होती है कि किस इख्तियार को कब इस्तेमाल करना है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी हंगामी हालत क्या होगी कि आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को कॉल किया हुआ है। ये तो आपकी एक फिर ऐलान क्यों नहीं किया इनके तहत, एक हंगामी हालत नाफज क्यों नहीं की गई? वो जरूरत हमने नहीं महसूस की। अच्छा, हमने नहीं उसकी जरूरत महसूस की। एपेक्स कमेटी किस आइन और कानून के तहत बनाई आपने? एपेक्स कमेटी, देखें, आपके जो भी गवर्नमेंट के एक टीम है, मुलाजमीन है, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो लोग अगर वो जितने भी आपके पास रिसोर्स है, अगर आप उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आप उसके ऊपर बैठ के आइंदा का लाया अमल तय करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने सारे रिसोर्सेज पूल करके एक बेटर सोल्यूशन की तरफ। तो इस मीटिंग में अगर ऐसी एपेक्स कमेटियों में अगर जो इंसदाद दहशतगर्दी का कानून के तहत बनाया गया इदारा नेक्टा, उसके सरबराह होते, वजीर दाखिला होते, तो क्या ये अच्छा ना होता? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं नहीं समझता कि कोई कमी रह गई होगी। और जो वहाँ पे ऑपरेशन को मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने अगर ये डिस्कस किया हो कि नेक्टा की तरफ से उनको प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये चीज़ें अब वो सोल्यूशन ढूंढेंगे इंशाल्लाह। अच्छा रान साहब, देखें, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो कमेटियों में बैठे माहरीन हैं, जारी बात है ऑपरेशनल महारत तो उन्हीं के पास है और यकीनन हम समझते हैं उनकी तरबियत भी मुकम्मल है, मगर एक हुकूमत की बात है, एक डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी के स्ट्रक्चर की बात है। इसी सवाल को लेके मैं पहले कराची बसा साहब आपकी इजाज़त से जाऊंगा। सैयद आसिफ हुसनैन साहब, आज का हमारा सवाल ये है कि क्या हमारी हुकूमत, वफाकी और सूबाई हुकूमतें बहरानों के बाद इस काबिल नहीं होती कि अस खुद फैसले करें और फिर उन फैसलों पर अमल दरामद कराएं, बजाय इसके कि हम एपेक्स कमेटियां बना देते हैं, फौजी अदालतें बना देते हैं और वो सब कुछ करते हैं जिनके खिलाफ आमरियत के दौर में हम मुजाहमत करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय साहब, आपने अपने इंट्रो में दूसरे जंग अजीम का जिक्र किया और मिसालें दी। मैं आपको बताऊं कि 9/11 के बाद अमेरिका के साथ जब इतना बड़ा हादसा वाकया पेश आया तो उसने अपनी पूरी एक पॉलिसी बनाई और उस अपनी सारी जंग को जो है वो शिफ्ट किया सेंट्रल एशिया में या फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते की तरफ। दूसरी तरफ बम्बई का वाकया हुआ जब इंडिया का, तो इंडिया ने भी जो है वो सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया और उसने इन सारी चीज़ों को शिफ्ट किया और अपनी एक मनज़म मजबूत पॉलिसीज़ के मुताबिक उसने अपनी खारजा पॉलिसीज़ को रिविजिट किया, रिव्यू किया और इसी तरह अपनी दाखिला पॉलिसीज़ को किया। बदकिस्मती ये होती है कि हमारे यहाँ जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया पेश आया तो बहुत बड़ा वाकया था, बहुत बड़ा अलार्मिंग था कि हमें वो सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए थी। हमने बिल्कुल एपीसी बुलाई और एपीसी में चीज़ें डिसाइड की, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की है, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ सबसे बड़ा मसला लीडरशिप का है।
क्योंकि अगर लीडरशिप प्रॉपर हो तो वो डिसीजंस ले, वो इदारों में जो उनका जो इंटरेक्शन होना है एक दूसरे के साथ उसको लीड करे, पॉलिसीज दे और उस पॉलिसीज पर इम्प्लीमेंट कराए। लेकिन हमने क्या किया कि जो चीजें डिसाइड की उन चीजों में से एक चीज पर भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। हमने ना ही उस एंटी टेरर जो फोर्स बनानी थी, अभी तक आप देखें सिंध के अंदर और केपीके में नहीं बन सकी है, बलूचिस्तान में और पंजाब में थोड़ा बहुत उस पर काम हुआ है। इसके अलावा जो हमने बैन आउटफिट थे कलदन तंजीमें थी उसके हवाले से हमने कहा था कि जी जो नाम बदल के अपने काम करेंगी, आज भी कराची शहर में उनके बाकायदा इजलास हो रहे हैं, उनकी रैलियां निकल रही हैं। आज भी कराची के जो फॉल्ट एरियाज ऐसे हैं कि जहां पर आज भी तालिबान अपनी रियासतें बना के बैठे और वो अपने वहां पे फैसले कर रहे हैं। हम इस तरफ नहीं आएंगे, नेशनल एक्शन प्लान भी एक बहुत अहम मौजू है, मगर मैं आपको अगर दोबारा उस सवाल की तरफ ले जाऊं, क्या आप समझते हैं कि फौजी अदालतें और एपेक्स कमेटीज जो हैं इनके जरिए ये जंग जीती जा सकती है, या आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अख्तियार भी इस्तेमाल करना होगा और जिम्मेदारी भी लेनी होगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहली जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप की है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं, सूबों के एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस हैं इश्यूज के ऊपर मुख्तलिफ, आज कौमों के एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस हैं, आज मजहबी डिफरेंसेस हमारे इतने ज्यादा हैं। तो आप समझते हैं, आप मुख्तसर ये बता दें कि आप समझते हैं कि फौजी अदालतों और एपेक्स कमेटियों के सिवा कोई चारा नहीं था? देखिए, ये सिर्फ मसले का हल नहीं है कि आप फौजी अदालतें बनाते हैं, लोगों को सजाए मौत देते हैं, लटकाते हैं, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आपकी एक ऐसी मुनज्जम पॉलिसी हो जिसके मुताबिक चारों सूबे का निजाम सेंट्रलाइज हो और फिर वो इस दहशत गर्दी से निमटने की इस्तेदाद रखते हो, उनके अंदर कैपेबिलिटी हो। अगर वो नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे भी होती है, उसकी जिम्मेदारी सूबाई गवर्नमेंट पे भी होती है। बिल्कुल सही। और इन दोनों गवर्नमेंट हम वापस आपके तरफ आएंगे, तमाम चीजों को करने की जरूरत है। आसिफ साहब की तरफ वापस आएंगे। बस साहब, एक तो ये है ना कि फैसले मुंतखब वज़ीर आला कायम अली शाह को करने चाहिए क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के सूबाई असम्बली के लीडर ऑफ द हाउस हैं, मगर गिला ये भी है कि जब कायम अली शाह ही फैसले करते थे तो तब भी वो नहीं करते थे। अगर एपेक्स कमेटियों पे हम एतराज़ करते हैं तो किस आईन और कानून के तहत आसिफ अली जरदारी साहब कई बार सिंध हुकूमत के बिहाफ पे ऐलानात और फैसले करते सुनाई देते हैं? फैसला कल का जो वाक्य है उस पे हर आंख बुरनम है, और मैं मजम्मत वाले लफ्ज़ बड़े ऑर्डिनरी हैं, बहुत बड़ा वाक़ हुआ है और इतने ये मासूम और एक ऐसी मैं समझता हूँ जो आगा खानी फैमिली है, जो इस्माइली लोग हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, और इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी। मतलब भाई, जो आपने इंट्रो में बातें कही, आपकी सोच का एक अपना अंदाज होगा, मुझे उनसे 100% नहीं 200% इख्तलाफ है। मुझे ये समझ नहीं है कि आपको ये सोच का आपका अंदाज क्यों है कि अगर गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले लिए जाते हैं तो वो किसके लिए लिए जाते हैं? ये फौज किसका इदारा है? रेंजर्स किसका इदारा है? गवर्नमेंट किसका इदारा है? क्या आपको इस बात पे इतराज़ है कि फौज और सिविल क्यादत और सियासी क्यादत इकट्ठे क्यों बैठे हैं? क्या आपको इस बात पे इतराज़ है कि वो कराची जिस पे मैं समझता हूँ कि तमाम इंटरनेशनल फोर्सेज जिनको हम कहते हैं कि आज पता नहीं ये किसका राह का हाथ है, टारगेटेड सिटर, वैसे तो दहशत गर्दों के लिए ना कोई खैबर पख्तूनख्वा अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा शायद दहशत गर्दी का शिकार केपी है, उसके कराची भी बड़ा इजी टारगेट है। मेरा ख्याल ये कहता है कि इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, शायद आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर एपेक्स कमेटी बनी है तो क्या एपेक्स कमेटी जो है वो तो खुदा न खास्ता हमने बना दिया इंडिया वालों की, क्या उसमें इंडियन जनरल बैठे हुए तो हैं? मुझे मतलब भाई, मुझे इंडिया से तो नहीं आया। आपने बात बड़ी मुकम्मल की, इंडिया से नहीं आया, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दी। फिर अगर भुट्टो को फांसी लगाई थी तो किसी इंडिया के जनरल ने तो नहीं लगाई थी? मैं उस टॉपिक पे भी आऊंगा, लेकिन मैं आज आपकी इस बात से यकीन मानिए मेरा दिल दुखा है। मैं बतौर एक सियासी कारकुन के आपको तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज आप यहाँ आप देखे ना, कल पार्लियामानी कायदीन की मीटिंग कॉल की हुई थी प्राइम वजीर आजम साहब ने, फौरी तौर पर वाक्य होता है, सब लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस बहादुरी के साथ अगले मोर्चों पे जाकर वो क्यादत कर रहे हैं,
इस वक्त आपने कहा ना कि अगर ये नहीं आप एक लफ्ज बोला था, तहसीन सब पेश करते हैं अपनी अफवाज को, मैं बात कर रहा हूँ सियासी नाअहली की, कोई सियासी नाअहली नहीं है, मैं अर्ज करता हूँ, चलें फिर बात करते हैं, एक सवाल आपके पास छोड़ के जाता हूँ, वापस आपसे जवाब लूंगा, सवाल ये है अगर आप समझते हैं इतने गैर मामूली हालात थे तो फिर इस्तीफा देके गवर्नर राज लगवा दें, ठीक है, फिर उसके ऊपर बात करते हैं, एक वक्त के बाद यही सवाल उठाएंगे कितने गैर मामूली हालात हैं कि सिंध की हुकूमत भी चल रही है और एपेक्स कमेटीज भी फैसले कर रही हैं, एक वक्त के बाद। वेलकम बैक, अपना अपना गिरेबान में हम बात कर रहे हैं, सिंध में हुकूमत किसकी और हुक्म किसका, बात तो पूरे मुल्क भी यही है। बस साहब, ये आखिर अगर इतनी गैर मामूली हालात थे, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि फौजी क्यादत सियासी क्यादत इकट्ठे बैठ रहे हैं बड़े अरसे के बाद एक पेज के ऊपर हैं, मगर क्या सियासी क्यादत ने अवाम से मैंडेट इस काम के लिए लिया था, और क्या कायम अली शाह साहब को इस हालत में जारी रखना चाहिए? मैं कवर करूँ, आपने अपने इंटरव्यू में एक और भी बात कही थी कि अभी तो ये वाले वाकयात हो रहे हैं, अगर जंग छिड़ जाए तो फिर क्या होगा, क्या होगा आप बताएं। मैं आपको कह रहा हूं कि ये 1965 की जंग और 1971 की जंग से भी ज्यादा खतरनाक जंग है, आपके गली मोहल्ले में लोग फैले हुए हैं जो आपके आपकी पार्टी की बातों से तो नहीं लगती, मुझे कर लेने दे। नहीं, आपने कह दिया खतरनाक है, कर लेने दे। बताएं फिर, मुझे आपके वजीर दाखिला नहीं है, हमसे ज्यादा मतीला भाई कौन जानता है, आपका सिंध में वजीर दाखिला कौन है, करता हूँ, हमसे ज्यादा कौन जानता है, हमने अमली तौर पर शहीद बीबी ने दहशतगर्दी में खत्म कर दिया, हमने सैयद यूसुफ गिलानी साहब के बेटे को उठाकर ले गए, हमें जलसे नहीं करने दिए जाते, हम तो हम जितने जितनी दहशतगर्दी के खिलाफ कमिटमेंट मैं समझता हूँ पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, अगर मैं ये सियासी बात करना नहीं चाहता, क्या सबूत नहीं है माजरत के साथ, मैं इतना भी बात में जो अगर आप ये बात करेंगे ना तो फिर 50 बंदे जो मरे हैं वो क्या, अभी मुझे बात पे लेने आपके होते हुए मुझे लेने देना जी, अब मुझे बताइए कि वाघा बॉर्डर भी महफूज नहीं है आपका पंजाब का, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल भी महफूज नहीं, आपकी बलूचिस्तान में बसों पर से निकाल निकाल के लोगों को मारा जाता रहा, मैं आप गुजारिश आपको ये करना चाहता हूँ, और आपको ये जंग मेरी ये जंग जो है मैं समझता हूँ इससे बड़ी जंग और पाकिस्तान पे कोई नाफज नहीं होनी, बहुत खतरनाक जंग है, तो फिर इस जंग में तहत हाँ। इसको ऐलान करें ना, अच्छा अभी आपने ऐलान क्यों नहीं किया, किस बात का, आइन के अंदर जो जंग का ऐलान डिक्लेयर किया जाता है, अभी आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग गैर नहीं कर रहे हैं सारा कुछ, तो आपने आइन के तहत तो नहीं किया, इस पे मेरे पे आपने ऐलान जंग किया है, आपने ऐलान जंग किया है 232 के, आपने पहले बहुत सवाल किए मेरे जवाब में, चले बता दें मतलब गुजारिश इतनी है कि आज मैं यकीन मानिए कि बार बार आपको मैं अर्ज कर रहा हूं यूनिटी यूनिटी एंड यूनिटी, आप भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, सहाफी हर किसी ने अपने अपने प्रोफेशन है, मैं ये कहूं कि किसी की कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ, सब पाकिस्तान के वफादार हैं, सब पाकिस्तान में ये जो आप मैं आपके साथ साथ हो सकता है आप मेरे से ज्यादा उस चीज को फील कर रहे हो कि जो वाकया हो गया उस पर आप मेरे से ज्यादा, लेकिन आज यकीन मानिएगा कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तानी है, जो मुसलमान है, इवन के वो मुसलमान जो आज कतलो गारत हो रही है, सब लोग परेशान है, लेकिन एक मुतीला भाई, लेकिन मेरा सवाल मैं उसी पे आता हूँ, उसी पे आता हूँ, आप मुझे बताइए आपने कायम अली शाह साहब के मुतालिक बात कही, आज क्या हुकूमत वहां पर, हमने तमाम असफनैन साहब बैठे हैं, मैं उनकी बात से भी इख्तलाफ कर रहा हूँ, ये क्या स्टेक होल्डर वहां पे नहीं है, क्या वहां पर रेंजर्स जिसकी क्या पुलिस, मैं अपनी पीपल्स पार्टी बात कर रहा हूँ ना, वहां पीपल्स पार्टी क्या मतलब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, ये जो टारगेट ऑपरेशन हो रहा है, पहले से एक बात आप मानेंगे, एक बात मान लीजिए मेरी, एक बात वो पोर्टफोलियो वो भी कायम अली शाह साहब के क्यों है उसके, मैं करता हूँ ये डिबेटेबल बात है कि वहां पर होना चाहिए, चले शुक्र, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आज आज आगा सराज दुरानी साहब ने ये बात, वैसे आप ये कह सकते हैं वफाक में जिनका है वो क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं यहाँ पर यकीन मानिएगा मेरा बहुत सख्त क्रिटिक हूँ मैं मुस्लिम लीग नून का, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस इशू के ऊपर, क्योंकि ये एक आपका दहशतगर्दी, आपका कौमी सानिया है, आपका कौमी मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, इन्होंने कहा कि ये डिबेटेबल बात है कि वजीर दाखला फुल फ्लेज होना चाहिए, होना चाहिए, तो क्या वजीर आला को, क्या वजीर आला को भी फुल फ्लेज नहीं होना चाहिए 24 घंटे अवेलेबल, देखिए इसमें आप ना बार बार वोट लिया हमसे, आपने वोट लिया, क्यों मैं करना चाहिए,
आज वहां पर हम सब लोग इकट्ठे होकर, मैं बात जो कह रहा हूं कि उन दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो मीर जाफर हैं, जो मीर सादक हैं, जो तालिबान हों, जो राक एजेंट हों, हम सब लोग एक पेज पे हैं। चले आसिफ साहब हमारे कराची में, मैं आपके तरफ आता हूँ। राना साहब, आसिफ साहब ये बताएं कि जी जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया राउन वार साहब ने, सबक एस एस पी मलेर जो है। राउन वार साहब, आप में बार बार आपकी तरफ से ये इशारा दिया जा रहा है कि कराची की सूरत हाल के पीछे रॉ के एजेंट्स हैं, तो ये रॉ के एजेंट्स को तहफ्फुज़ कौन दे रहा है? क्या इसमें कुछ सियासी अनासर भी शामिल हैं और क्या इसमें सिंध हुकूमत की भी नाअहली है? आप क्या समझते हैं? नहीं देखें, मैं तो पहले आपको बता चुका हूँ इस पे काफी चीजें, जो हमने लोग पकड़े थे उन्होंने अपना ताल्लुक खुद बयान कर दिया कि उनका कहाँ से ताल्लुक था, और उसकी तस्दीक हो चुकी है। अभी आज उनका मजीद 14 दिन का रिमांड भी मिल गया है, और एक और आदमी की उन्होंने पॉइंटेशन की थी कि वो जेल में बंद है और वो भी वहां से ट्रेन याफ्ता है, उसको भी आज हमने वहां से जेल से बुला के और शामिल तफ्तीश कर लिया है। अच्छा राव साहब, ये बताएं कि इस वक्त सिंध के अंदर एपेक्स कमेटी में बड़े अहम फैसले हो रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि क्या इस वक्त तमाम अहम फैसले ये सियासी हुकूमत कैमरी शाह साहब की हुकूमत करती है, या एपेक्स कमेटी में जो कोर कमांडर्स हैं या उनके भी फैसले, और उनसे भी आप हदायत लेते हैं? किन से आप हदायत लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा तो इतना लेवल नहीं है कि मैं एपेक्स कमेटी में जाऊं, और वो तो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और आईजी साहब हैं, ये सवाल तो आप उनसे करें। मेरे से तो आप है ना ये सवाल करें कि क्राइम के बारे में कि यहाँ कौन लोग क्राइम कर रहे हैं, ये कौन से लोग हैं, और इसमें रा इन्वॉल्व अच्छा, है ये बिल्कुल। मुझे ये बताएं ना राव साहब के आपको फिर हटाया किसने था और वापस कौन लाया, चलिए ये बता दें। नहीं देखें, मुझे हटाया गवर्नमेंट ने था और लाया अभी तक कोई भी नहीं है वापस, ये गलत खबर चली। नहीं आखिर आप मीडिया से जो बात कर रहे हैं हमसे, और सच्चे दिल की बात और जमीर की आवाज के मुताबिक बात कर रहे हैं, ऐसे बाहिम्मत पुलिस अफसर तो बहुत कम होते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन है ना मुझे जो है अभी दोबारा किसी ने नहीं लगाया। अच्छा अभी बहाल भी किया गया आपको? नहीं मैं, मगर आप अमली तौर पे आप फाल है राहुल साहब, अमली तौर पे आप माशाल्लाह बहुत फाल है अभी भी। नहीं नहीं ठीक है, वो तो मैं अपने जराए से इस जो अभी ये वाकया हुआ है उसको देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह उसमें एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से और एक पुलिस अफसर होने की हैसियत से मैं ये कोशिश भी करूंगा कि किसी तरह इसको पकड़ भी लिया जाए। चलो मैंने क्या बात है, आप इसके हवाले से कुछ, आपको कुछ अंदेशा है कि कौन लोग हो सकते हैं इस वाकये के पीछे? अपने जराए से जी जी इसमें ये देखें कि कोई आम आदमी ये काम नहीं कर सकता है, आपको अगर कोई करोड़ों रुपया भी दे दे तो शायद आप ये काम नहीं करोगे, ये कोई काम स्पेशल आदमी करते हैं और उनको कोई बाहर की एजेंसी सपोर्ट करती है जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। नहीं तो पाकिस्तान में ना कोई किसी को पैसे देके ये काम कराने वाला है और ना कोई जो है यहाँ काम करने वाला है, ये वही लोग हैं जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं से होता है और जिनके कोई मकासद होते हैं। अच्छा, और उसमें वो हमारे लोग यूज करते हैं। आखिर में ये बता दें, क्या आपको सियासी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत और तहफ्फुज़ उनका हासिल होता है? जा बिल्कुल, देखें ये तो इस वक्त ऑपरेशन तो सब मिलके कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट भी कर रही है, सियासी हुकूमत भी मिलके कर रही है, और फोर्सेस भी हैं, सारे एक ही जो है पेज पर हैं। ठीक राउनवार साहब, बहुत शुक्रिया। एक बात कहने दीजिएगा मुझे जी जी, राउनवार साहब किसको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पूरी कौम की जानब से। ठीक है, इंतहाई दलेर, इंतहाई जो मैं समझता हूँ उन्होंने कराची के अंदर रहकर जिस तरह दुश्मनों का मुकाबला किया, हाँ मैं उनके तरीकाकार से मुझे भी इख्तलाफ है, जो तरीकाकार था उससे इख्तलाफ जरूर हुआ है, जाहिर है कि उनको मैं समझता हूँ उनका ये मैंडेट नहीं था कि वो ओपनली इस तरह डिबेट करते, लेकिन मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ राव साहब को। बसरा साहब कह रहे हैं आपका मैंडेट नहीं, लेकिन इनसे ये भी पूछ लीजिए प्लीज, राव साहब आपका ये मैंडेट नहीं था जो आपने एमकेएम पे इल्जाम लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मैंने नहीं कहा, या इल्जाम की बात हुई, मैंने 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 ये कहा है कि राव इनवार साहब को पूरी कौम की जानिब से मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, हमारे बहादुर सपूत है, आपको तरीकाकार से खिलाफ करने का मैंडेट नहीं था, आप इस बात को मानते हैं? नहीं, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी भी हूँ,
पुलिस वाला मैं बाद में बना हूँ, पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पाकिस्तान के खिलाफ, और वो भी जिसको मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा तो, और उसका मुझे पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं और किसका किससे ताल्लुक है, तो ये मेरा सबको बताना मेरा फर्ज है, कोई मैंने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। तो आप अब भी आपको जब पता चलेगा तो आप बता देंगे सबको। आतिर रहमान साहब मैं एक सवाल कर लूं? जी जी, ये अगर आप चाहे तो सैयद आसिफ हुसैन साहब हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। आसिफ हुसैन साहब जी, आसिफ साहब जी जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कुछ लोग ऐसे पकड़े गए जिनका ताल्लुक रा या किसी भी तंजीम से था, तो क्या किसी इदारे की अब तक की कोई ऐसी रिपोर्ट सिंध में आई किसी इस हवाले से, या सिर्फ एक पुलिस अफसर को पता चला और उसने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और खुद ही उसने नतीजा सुना दिया कि एक सियासी जमात पर पाबंदी भी लगा दी जाए जी, तो ये आप देख रहे हैं कि जी पाबंदी का मुतालबा भी खुद ही कर दिया, खुद ही फैसला भी सुना दिया जी, और किसी इदारे की अब तक क्यों ऐसी रिपोर्ट नहीं है किसी इदारे की, आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं देना चाहूंगा, ये मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मैं मुतमैन हुआ और उसकी JIT भी होगी, उसमें भी साबित हो जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, और ये जो फैसला है कोई ये फैसला सादिर नहीं हो गया, मैंने बताया ना कोई मैंने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, मैंने एक अपनी राय दी, और ये तो चीज मेरा हक है पाकिस्तानी होने के नाते कि मैं ना एक चीज को हकीकत सबको बताऊं कि कौन किसके पीछे है, चाहे वो कोई भी हो, मेरा इस चीज से ताल्लुक नहीं है ना। तो रामवार साहब चले जाते जाते ये हकीकत बता दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको हटाने के पीछे कौन था? राव साहब आपको हटाने के पीछे कौन था? ये पूरे अफसर के बाद नहीं होते कि वो किसी पार्टी पर पाबंदी का मुतालबा कर दे। जी जी, IG सिंह का ऑर्डर मिला और मैं मुझे हटा दिया गया, मैं हट गया। अच्छा स्नेह साहब कह रहे हैं कि क्या आपको ये अख्तियार है कि आप जो है सियासी जमातों पे पाबंदी के मुतालबात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में? किसके नहीं, तो मेरा ये मुझे ये बता दें कि कौन से कानून के तहत मैं ये बात नहीं कर सकता। नहीं, आप कौन से कानून के तहत कर सकते हैं? चलिए ऐसे बता दे रहा, क्योंकि आप तो कानून के मुताबिक सजा दिलवाते हैं ना मुजरमों को, मुजरमों को, तो कोई कानून बता दे जिसके तहत आप ये मुतालबा कर सकते हैं। ये यहाँ बैठ के इतनी बातें करते हैं सारे आके, ये को इनके क्या अख्तियार आते हैं? इनके सारे अख्तियार आते हैं खजाने पे ये बात करते हैं, सियात पे ये बात करते हैं, लेकिन सरकारी अफसरों पे तो कवायद और जवाबत लागू होते हैं ना राव साहब। लेकिन मैंने सवाल किया उसका जवाब ही नहीं इनके पास, वोट दिया जाए या ना दिया जाए, मैंने किसी को ये नहीं कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर नहीं की। राव साहब बहुत शुक्रिया अपना अपना गरेबान को वक्त देने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस आम नुक्ते पे बात जाएगी। आखिर हुकूमत किसकी है और हुक्म किसका चल रहा है, ये है आज का सवाल जो अपना अपने गरेबान में हम बात कर रहे हैं। राना अफजल खान साहब, कायम अली शाह साहब के हवाले से बहुत सी बातें हुई, आप तो गवर्नर भी आपने वफाक का नुमाइंदा होते हैं एक तवील अरसे से, एक अंडरस्टैंडिंग और डील के तहत जो है जो भी था एक वक्त था गुजर गया, तो वफाक ने अभी तक क्या ऐसे इकदाम किए कि जिससे ये महसूस हो कि वो जो सूबे के अंदर जो वफाक का जितना अख्तियार है उसको इस्तेमाल करके सूरतेहाल बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है? वज़ीर आला को तो तब्दील करना आपके अख्तियार में नहीं है ना? जी आप सही कह रहे हैं, देखिए मैं समझता हूँ कि वफाक ने इन एड ऑफ सिविल गवर्नमेंट हमने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और ये सारी जो सूरतें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिमांड किया ना, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको ऑनर किया। देखिए मैं आपकी बात को बिल्कुल कर रहा हूँ कि सूबे की गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब पूरी कौम को तहफ्फुज़ात हैं। मैं बसरा साहब को याद दिलाना चाहूँगा कि एक वक्त था कि जब पंजाब में गवर्नर रूल लगा था तो पंजाब में ऐसे हालात नहीं थे जो आज कराची में, तो अगर उसको कंपैरिजन से आप देखें तो गवर्नर रूल के हालात पैदा हो चुके हैं। अब डिमांड करते हैं, नहीं मैं डिमांड कर रहे हैं, मतलब मेरी बात को मेरी बात में मेरे लुकमा ना डालें, देखिए हालात ऐसे मैं हालात ऐसे हो गए हैं कि गवर्नर उसका हाल है ना, एपेक्स कमेटी जो आवाम है वो एक प्रेशर बढ़ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट पे भी बढ़ रहा है, वो प्रेशर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पीपी की लीडरशिप पे भी बढ़ रहा है। इससे पहले कि अगर फेडरल गवर्नमेंट मजबूर होकर इसके बारे में सोचे, ये एक लम्हा फिक्रिया है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए।
तो सर आप आइन के बिजली के मीटर के जरिए अख्तियारात की तार क्यों नहीं लेते? आप कुंडे क्यों डाल रहे हैं एपेक्स कमेटियों के? ये कौन से आइन और कानून? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एपेक्स कमेटी खुदा ना खास्ता कोई वहां पे गवर्नर नहीं लग गई या वहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं बन गई, वो एक पर्टिकुलर इशू को देख रही है, नथिंग लेस नथिंग मोर। उनका इशू है दहशतगर्दी। एपेक्स कमेटियों को नोटिफाई किया गया? देखें अब कोई नोटिफिकेशन होगा ना, कोई सरकारी एपेक्स कमेटी एक सब लोग सर जोड़ के बैठ गए हैं कि अब इस मसले का एक जिरगा है, आप ये कह रहे हैं एक जिरगा है। अच्छा। मतलब आईन और कानून में तो इसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है इसका। एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन है, एक ऑपरेशन शुरू हुआ, उस ऑपरेशन के अंदर आपने रेंजर्स के उसको बना दिया, हेड बना दिया। अगर उसका बॉस आके बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं भी बैठ के सुनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मना तो नहीं है? बिल्कुल। सो आई थिंक हमें तो मेन जो हमारा इशू है उसको देख रहे हैं हम। प्रोविंस की गवर्नमेंट को छीनने की बात नहीं हो रही, उनकी एड में है सारा कुछ। आपके ख्याल में इस वक्त सिंध हुकूमत कितनी इररेलेवेंट हो चुकी है इस तमाम अमल में? मैं समझता हूँ कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, हकायक भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हेल्थ के इशूज हैं, एजुकेशन के इशूज हैं, और उनको सिंध हुकूमत कम अज कम डिफेंड भी नहीं कर रही, और वो एक परसेप्शन जो है वो बिल्ड हो रहा है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसको अब करेक्शन मोड में जाना चाहिए। वहाँ पे जो चेंज अवाम एक्सपेक्ट करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेट पॉलिसी उसके साथ वो आए, ताकि दोबारा इलेक्शन कराएं, अवाम का कॉन्फिडेंस नहीं, अपने इंटरनल चेंज लेके आए। अच्छा, शाह साहब को तब्दील कर लें, हटा दें वो। अब ये चीजें उनके उन तक है, उनके पास पता नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है उनके पास और लीडरी कोई नहीं। तो आपने जो गवर्नर लगाया था उसको भी हटाने के मुतालबात तो आ रहे हैं, आप जो कर सकते हैं आप तो वो भी नहीं कर रहे, तो आप कायम अली शाह को क्यों हटा रहे हैं? और मैं समझता हूँ कि मेरी पर्सनल राय है, मुझे नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, लेकिन हमारे पे ये प्रेशर आ रहा है। क्या प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं आप? प्रेशर का फिर रिजल्ट भी आता है। एक बात कहूँ, राणा साहब पर्सनल पोजीशन में तो यहाँ नहीं बैठे हुए, मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। याद ये ऐलान कर दें कि मेरा मुस्लिम लीग नून से तलक नहीं है, फिर तो मैं इनकी पर्सनल ओपिनियन को मान लूँ। इसका मतलब यह है कि ये मियां नवाज शरीफ सबसे बड़े लीडर हैं। अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब ने, चूंकि उनके पास तो इख्तियार है, जैसे आईनी तौर पर आप कहते हैं गवर्नर रूल का इख्तियार तो सिर्फ है ही फेडरल गवर्नमेंट के पास, तो वो आप गवर्नर तब्दील, तो आपने जो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन था आपका, मैं इसलिए ये मैं आज बात को पोलिटिकल नहीं करना चाहता, चूंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस वक्त जो दुश्मन चाहता है वो लोग जो टारगेटेड कर रहे हैं हमारे मासूम बहनों को, बात की है, चर्च को, स्कूल को, मंदिरों को, पॉइंट है उसके ना। क्या क्या इन्होंने कहा है कि कायम अली शाह साहब को और पीपल पार्टी की लीडरशिप को करेक्शन बोर्ड में जाना चाहिए? अच्छा, कुछ करें आप, कुछ कर ही नहीं रहे, एक बात इतना कुछ हो गया है, आप कर लीजिए ना, आप मुझे बताइए दाता की नगरी पे करेक्शन बोर्ड में चले गए, सुन तो लें दाता। अच्छा, MQM करेक्शन मोड पर चली गई, तो उन्होंने अपने गवर्नर को फिर चौधरी निसार साहब, फिर मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी पार्टी, या तो आप पार्टी में से तरीके साहब ज्वाइन करने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता इस बात का। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जरा मतिया भाई, कि वहां पर ये जो अभी कायम अली शाह का जवाब, मैं कायम अली शाह साहब की बात कर रहा हूँ, कायम अली शाह साहब, मैं आपको बात कर रहा था कि दादा की नगरी पर हमला हुआ, वाघा बॉर्डर पर हमला हुआ, आप टोटल जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं उनका डेटा निकाल लें। कराची में मैं नहीं, उसके कायम अली शाह जिम्मेदार नहीं, मैं क्यों नहीं है, वो वहां पर वजीर आला है, हमारी वहां गवर्नमेंट है, क्यों हम जिम्मेदार नहीं होते? चलें, इन वाकयात से ये तो साबित हो जाता है कि कायम अली शाह साहब वजीर आला है, कायम अली शाह साहब वजीर आला है, हमारी वहां पूरी टीम है, और वहां पर आप देखिए कि फौरी तौर पर सब लोग वहां पहुंचे हैं, वहां पर आसिफ अली जरदारी साहब जो इस्लामाबाद में थे वो डायरेक्टली वहां पर कराची, और उन्होंने कंपनसेशन का भी ऐलान किया, सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूँ। काफी देर से बैठे आसिफ हुसैन साहब, बात फिर दोबारा वहीं से अगर हम शुरू करें, तो आप समझ रहे हैं कि एपेक्स कमेटी में जो फैसले हो रहे हैं उसमें आप भी एक मैंडेट वाली, बड़ी मैंडेट वाली सियासी जमात हैं, उसमें आपकी नुमाइंदगी भी हो रही है? आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में हमारी जो सूरत हाल और हमारी कैपेबिलिटी है वो इस हद तक है कि जलजला आता है हमें फौज बुलानी पड़ती है, सैलाब आता है हमें फौज बुलानी पड़ती है, हमें इलेक्शन कराने होते हैं हमें फौज बुलानी पड़ती है, भर में और दहशतगर्दी की केबलिंग, और दहशतगर्दी फौज आ भी जाती है, दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जी वदे आला जो सिंध की बात है,
मुझे बताएं कि बन्नू जेल टूटे या आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हो, उस वक्त की जो सूबाई गवर्नमेंट है केपीके की, उसकी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं थी। वहां पे भी लोगों ने इनकी लीडरशिप पे अंडे और टमाटर मारे हैं। इसी तरीके से विफाकी वजीर दाखिला कल से गायब हैं, उनकी भी कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। इसी तरह सूबाई सतह पर सिंध में भी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर वाकये के बाद सिंध के अंदर हो क्या रहा है, कि कोई वाकया होता है, वाकये के बाद चार आदमी पकड़ लिए जाते हैं, उसके बाद एक पट्टी चलती है कि जी एक सियासी जमात से ताल्लुक है और हमारे इदारों की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हम अपनी डायरेक्शन को सही सिंध में लेकर जाना ही नहीं चाहते या नहीं जा रहे हैं। हमने 10 साल पहले आपको कहा अल्ताफ भाई ने कि कराची में तालिबानाइजेशन हो रही है, आपने तो मजाक उड़ाया, सीरियस लिया नहीं इसको, और आज आप कहते हैं गैर मामूली हालात। मैं तो बहुत अरसे से सुन रहा हूँ कि गैर मामूली हालात पाकिस्तान में, गैर मामूली, तो क्या पाकिस्तान में मामूली हालात कब रहे और गैर मामूली हालात है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे? कंटिन्यू आपके गैर मामूली हालात चले आ रहे हैं। आप मुझे बताएं अभी तक जो एपेक्स, अभी तक जो सिंध हुकूमत और एपेक्स कमेटी के अंदर जो फैसले हुए हैं और आज भी, आप उन फैसलों से मुतमईन हैं? देखें मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप एपेक्स कमेटी के फैसले कर लें या दीगर जो भी फैसले हों, उसका जब तक कोई चीज नहीं होगा, जब तक ये तमाम इदारे पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे ना हो, एक दूसरे के डिफरेंसेस खत्म ना हो। तो आप कौन से पेज पे हैं असनैद साहब? आपकी पार्टी कौन से पेज पे है? अभी थोड़ी देर देखें, अभी अभी आप थोड़ी देर पहले एक पुलिस ऑफिसर को लेकर आए, वो स्टेटमेंट दे रहे थे, तो मैंने सुना कि बसरा साहब कह रहे थे कि मैं इनकी जरूरत को सलाम करता हूँ। ऐसा पुलिस अफसर जिसका रिकॉर्ड मावरा अदालत कत्ल, जमीनों लैंड माफिया का अहम किरदार, जो रेती और बजरी के हवाले से उसकी पहचान, जो क्राइम के हवाले से कराची में सबसे बड़ी पहचान रखने वाला जो पुलिस ऑफिसर है, उसको आप अगर जरूरत पर सलूट करेंगे तो मैं फिर ये कहूंगा खुदा ने असनैद साहब चले हम अभी आजाद लेना चाहिए। एपेक्स कमेटी में मुताला करा, हम उसको लीडर करार दे रहे हैं। साहब एपेक्स कमेटी के अंदर आपके नुमाइंदे मौजूद थे एपेक्स कमेटी में कल। देखिए हमें कभी भी एतमाद में नहीं लिया गया है, और सिंध गवर्नमेंट में जब भी कोई अहम मीटिंग हुई है उसमें एमकेएम शामिल नहीं रही है। फारूक सत्तार और रशीद गुडेल साहब, फारूक सत्तार और रशीद गुडेल साहब मौजूद थे। मीटिंग के वक्त बातचीत जरूर करते हैं, फैसले बंद कमरों में होते हैं और उस फैसले की डायरेक्शन कुछ और होती है। तो फिर आप मीटिंग में क्यों जाते हैं? मुझे आपसे सवाल करना है। मेरे भाई आप सुन लिया, आपने बात कर ली, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। पहली बात तो यह है कि अगर राव वार साहब के खिलाफ आपके पास सबूत हैं, उन्होंने आपके खिलाफ सबूत पेश किए हैं, वो अदालतों में दे दिए हैं, तो आप मेरे भाई हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, माशाल्लाह आप तो आईन को बहुत बेहतर जानते हैं। रावण वार साहब से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इतने सीरियस एलिगेशन है रावण वार साहब पे, तो खुदारा उनके खिलाफ वो तमाम इल्जाम अदालतों में लेके आए, नंबर वन। नंबर टू, आपने अभी कहा मुझे मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थ्रू वाली बात मत किया कि ये आप हमारे भाई हैं। आप वहां पर मुझे बताएं कि अगर आपको कोई हासिल नहीं है फिर उन मीटिंग्स में लेने क्या जाते हैं आप कभी एपेक्स कमेटियों की मीटिंग्स में या कहीं पे भी ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि वहां हमें बात करने नहीं दी जाती? उनको आना आपने फौज की बात की आप बुलाते हैं तो इसलिए जाते हैं ना? नहीं आप बुलाते क्यों हैं? अगर आप इनसे इख्तलाफ करते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, नहीं आप बुलाते क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं, मैं ये कहता हूँ कि उसमें आप खुद ही जवाब दे रहे हैं अपने सवाल का। सर मैं ये कह रहा हूँ कि उनको ये कह रहे हैं कि हमें बुलाया जाता है और हमें सुना नहीं जाता। भाई अगर सुना नहीं जाता तो क्या आज तक किसी लीडर ने बाहर निकल के मीडिया से ये बात की है कि हमें वहां अंदर बोलने नहीं दिया? आखिर में हुक्मरान जमात का हुक्म सुन लेते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत हुक्म तो अभी भी देखिए मैं समझता हूँ सारी पार्टीज को लेके चलना चाहिए और हमें उनसे भी गाइडेंस लेनी चाहिए और एमक्यूएम को भी। मैं समझता हूँ कि वो बंदे निशानदेही कर, देखें उनका बहुत बड़ा होल्ड है, उनकी निशानदेही करनी चाहिए। साहब का जवाब दे दूं, बसरा साहब NA 246 के रिजल्ट के बाद कम से कम अब एहसास आप लोगों को ये हो जाना चाहिए कि आप जो बातें करते रहे या कर रहे हैं वो सही बात नहीं है। मैंने तो आपने रिक्वेस्ट की है बस, अभी यूनिटी यूनिटी और यूनिटी की जरूरत है। सुन तो ले, आप सुनने की जरूरत नहीं है ना, सुन तो ले। आप जिस पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं उसके खिलाफ हम अदालत में चले गए और आप कौन सी अदालत में बातों का जिक्र कर रहे हैं? कराची के अवाम आप समझ चुके हैं
कि ये पुलिस ऑफिसर और वो लोग जो चार जमातों का नाम लेकर सिर्फ एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, 90 पे छापे मार रहे हैं, कराची के आवाम अब समझ चुके सारी चीजों को, अब आप लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि जो कुछ कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। आफताब हुसैन साहब, राणा अफजल खान साहब, सही डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बात सिर्फ इतनी सी है, आपके साथ कुछ भी हो, इस खुदा न खास्ता मुल्क पे भी बड़े से बड़ी आफत आ जाए, एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है सियासी लीडरशिप का, अगर हाथ पांव फूल जाएं और अपने आईनी और कानूनी अख्तियारात का अंदाजा ही ना रहे तो यकीनन एक बड़ी परेशानी की बात है अवाम के लिए भी। अपना पगरबान से फिलहाल इतना ही, मतीउल्लाह जान को इजाजत दीजिए।